हेलो स्टूडेंट, की हाल चाल तुहाडे सारिआं दे? उम्मीद करदे आं बिल्कुल सही होणे आ। ते मैं आशीष अजगुर तुहाडा फिर तो ज्ञानम दे डिजिटल प्लेटफॉर्म च स्वागत करदा। तो चलो, जिदा कि आपां हर वारी तुहाडे लई क्वेश्चन लेके आउंदे सीगे, उही अज आपां तुहाडे लई एक वारी फिर तो क्वेश्चन लेके आए ने, मिक्स क्वेश्चन, जिहड़ा कि तुहाडे लई पेपरां च जिहड़ा वी तुसीं पेपर दोगे उहदे लई तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी हैल्प करेगा। चलो गाइज, आपां स्टार्ट करदे ने। आह देखो जी, सब तो पहले जिहड़ा हैगा साडे कोल पहला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा उह की कहिंदा। आह देखो जी, फस्ट क्वेश्चन दी जेकर आपां गल करिए, फस्ट क्वेश्चन तुसीं देख लो, फस्ट क्वेश्चन की जेकर आप गल करिए, फस्ट क्वेश्चन तुहाडे कोल की हैगा, द कोर इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कोल्ड, जड़ा कि इंटरनल पार्ट जड़ा होंदा, सब तो कोर वैल्यू किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जड़ा कि तुहाडे कोल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जी सब तो कोर वैल्यू जी होंगी, उस चीज़ को आप कहते हैं, ठीक है। तो जी कोर वैल्यू होंगी है करनल, यूनिक्स, लिनिक्स, ठीक है। तो जेकर आप गल करिए यूनिक्स, तो तुहाडे कोल विंडो हैगा, लिनिक्स तुहाडे कोल विंडो हैगा, तो तुहाडे कोल ऑप्शन जिहड़ा हैगा करनल जिहड़ा हैगा, इहदा एग्जैक्ट आंसर जिहड़ा हैगा बनेगा। तो होपफुली तुहानू सारे नू गल क्लीयर होएगी जी, इंटरनल पार्ट हुंदा है, ठीक है। आ लो जी नैक्सट क्वेश्चन, जेकर आप नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, नैक्सट क्वेश्चन देखो, वट इज द नेम ऑफ आई टी लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लैजिस्लेचर, जरा कि इंडिया में साढ़े को आई टी लॉ हैगा, उदा ना जड़ा हैगा की हैगा वह तुम्हें दसना पैना। तो इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। सैकेंड हैगा इंडियाज डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT एक्ट, तो तीजा हैगा इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो चौथा हैगा द टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। जेकर आप गल करिए इस क्वेश्चन का, जरा एग्जैक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा सी ऑप्शन, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 2000 च आपां नूं की करवाया सीगा, इंट्रोड्यूस करवाया सीगा। तो होपफुली ये तुहानूं गल सारिआं नूं क्लीयर होई होणी है जी, ये ना हैगा बहुत ही जरूरी जिहड़ा कि पेपर का पार्ट बन सकता, तो ऑलरेडी पुछया भी जा चुकिया, ठीक है। आ लो जी अगला क्वेश्चन नंबर तीजा, क्वेश्चन नंबर तीजे की जेकर आप गल करिए, द कंप्यूटर जागन अक्सर तुसी WWW दा जिहड़ा हैगा फुल फॉर्म पढ़िया हैगा, पर कदे भी तुसी 4W दा फुल फॉर्म नहीं पढ़िया होएगा। तो आ जिहड़ा हैगा पेपर च कई बार पेपर च ऑलरेडी पूछा जा चुका, WWW तो तुहानू पता है जी की हुंदा है, वर्ल्ड वाइड वैब हुंदा है, तो यही तुहाडे तो पूछ रहा 4W दा मीनिंग की हुंदा है, वर्ल्ड वाइड वैब वॉर्म या वर्ल्ड वाइड वैड वाइल्ड लाइफ वैब या वर्ल्ड वाइड वूमेन वैब, वूमेन का तो ना तो पता चल रहा, वर्ल्ड वाइड वूमेन वीक, आ भी गलत। यदा जो आंसर हैगा ए ऑप्शन तुहाडे कोल बनेगा, तुसी याद रखे जायो, पता नहीं किन्नी बारी ऑलरेडी ये पेपर च पूछा जा चुकया हैगा, तो हुण भी अगे भी पूछे जाण दे इहनां दे चांसिस हैगे ने, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर मीन्स, मल्टीप्लेक्सर का मीन क्या होता है, आपके पास 1 to many, many to 1, many to many या फिर ऑल ऑफ दीज। अगर हम यहां पे बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का मीनिंग होता है मैनी टू वन, आपके पास मैनी क्या होगी, यहां पे इनपुट होंगी। अगर हम यहां पे बात करते हैं मैनी क्या होंगी, आपके पास इनपुट होती है, देखिए इस चीज में आप लोग ऐसे समझिए कि मैनी क्या है, इनपुट है, मल्टीपल इनपुट दी जाती है और एक आउटपुट आपके पास यहां पे आती है, तो मैनी टू वन आपके पास इसका जो होता है मीनिंग होता है। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉम्बे। तो होपफुली बात यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। आ देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पंजे दीजिए, अगर आप गल करिए, एन ईमेल अकाउंट इनक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन इज कोल्ड, जिहड़ा तुहाडे कोल एरिया हुंदा स्टोरेज दा उहनूं आपां की कहिंदे ने ईमेल विच, ठीक है, अटैचमेंट हाइपरलिंक मेल बॉक्स या IP एड्रेस। तो होपफुली तुहानूं इस क्वेश्चन दा आंसर जिहड़ा पता होएगा, इहदा आंसर की बनेगा, मेल बॉक्स, इहदा आंसर की बनेगा, मेल बॉक्स, आपां उहनूं की कहिंदे ने मेल बॉक्स, उस चीज़ नूं आपां कहिंदे ने जिहड़ा कि साडे कोल एरिया हुंदा। तो होपफुली गल क्लीयर है जी, ठीक है। ये स्टैटिक तुहाडे कोल इहो जिहियां गल्लां जिहड़ी जिहड़ी तुसीं अपनी रूटीन लाइफ च यूज करदे हो उही पेपर दा पार्ट बणदियां ने। आलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड डैश इज लोकेटेड, एंड डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइंस विच फाइल यू कैन एक्सेस एंड विच सेटिंग यू यूज। तो इन्हें भी तुसी किस चीज़ का यूज करके काम कर सकते हो, नेटवर्क का,
यूजर अकाउंट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर तुहाडे कोल फाइल सिस्टम का। तो ये जो काम हैगा आपां कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नाल कि किस वेले आपां केड़ी फाइल जिहड़ी हैगी आ किथे ते किसनूं सेंड करनी है, वह सारे का सारा जो काम हुंदा है साडे कोल किहदे थ्रू हुंदा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हुंदा है। होपफुली भी तुहानूं गल जिहड़ी है सारे नूं क्लीयर होएगी। आ लो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सत्तवां। क्वेश्चन नंबर सत्तवें की जेकर आपां गल करी, सत्तवें च की हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इन्हां विच केड़ा साइबर क्राइम नहीं हैगा। क्वेश्चन हैगा इन्हां विच केड़ा साइबर क्राइम नहीं हैगा। डेटा थैफ्ट, डेटा नूं चुराना तुहाडे कोल साइबर क्राइम हैगा, ऑप्शन नहीं बनेगा। फ्रोजरी मतलब किसी नूं धोखाधड़ी देना, यह भी आंसर नहीं बनेगा। डैमेज द डेटा एंड सिस्टम, किसी के डेटा नूं या सिस्टम नूं तुसीं डैमेज कर दो, वह भी तुहाडे कोल ही देसी हुंदा है। ते इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ये जड़ा जड़ा तुहाडे कोल हैगा ये साइबर क्राइम नहीं हैगा। इहनूं डिडक्ट करन दा, उहनूं स्टॉप करन दा जड़ा हैगा एक मैथड हैगा। ते होपफुली तुहानूं गल सारे नूं क्लीयर होएगी। आ लो जी क्वेश्चन नंबर अठवें की जेकर आपां गल करिए, अठवें की आपां गल करनी हैगी, अठवें च देखिए, विच ऑफ दैम इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रैडिंग द वायरस, इन्हां विच किहड़ा जड़ा हैगा एक तरीका नहीं हैगा एंटीवायरस नूं फैलाण दा। इनफेक्टेड वैबसाइट, बिल्कुल वायरस आएगा, ठीक है। नोट पूछा है, नहीं नहीं पूछा, आइडियल वे वायरस आएगा, आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। आंसर नहीं बन सकता क्योंकि वायरस तुहाडे ते होना ही होना। ईमेल, ईमेल के थ्रू तुहाडे कोल सब तो ज़्यादा वायरस होंदा, ठीक है। यूएसबी जिन्हों पेन ड्राइव कहते हैं, बिल्कुल आता ही होंदा। ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी, आ तो स्टॉप करन दा काम करदा जी, आहे कोल स्टॉप करने का काम करता, तो आंसर की बनेगा तुहाडे कोल सी ऑप्शन, इधर थ्रू तुहाडे कोल वायरस नहीं आएगा, ठीक है। होपफुली गल क्लीयर है। अब क्वेश्चन नंबर नौवां देखो जी, क्वेश्चन नंबर नौवां की हैगा, डी एस एल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश कनैक्शन, ठीक है। डिजिटल सबसक्राइबर लाइन जो है कहदा एग्जाम्पल है नैटवर्क का, वायरलैस का या स्लो का, यह जो एग्जाम्पल है ब्रॉडबैंड। जब भी तुम अपने अपने घर ब्रॉडबैंड यूज करते हो तो जी उ सिग्नल तुहाडे कोल आ रहा है, डी एस एन एल टेक्नोलॉजी यूज करके तुहाडे कोल आ रहा है, तो डी एस एल जो अपना डिजिटल सबसक्राइबर लाइन, यह भी अपने आप ही इंपोर्टेंट है। यह फुल फॉर्म भी तुहाडे तो पूछा जाता डिजिटल सबसक्राइबर लाइन, तुहानू भी यह पता होना चाहिए। होपफुली गल तुहानू क्लीयर है जी, ठीक है। आ लो जी क्वेश्चन नंबर दसवां, क्वेश्चन नंबर दसवें की आप गल करनी हैगी है, दसवें की हैगा, द प्रोसैस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, ठीक है। द प्रोसैस ऑफ ट्रेडिंग, जेकर तुसी इंटरनेट च, जेकर तुसी इंटरनेट च अपना कोई भी ट्रेड करते हो, सेल परचेज करते हो, उसनू की कहिंदे आ, ई कमर्स ट्रेडिंग, ई फाइनैंशिंग या ई कॉमर्स। आ देखो तुसी सारे दे सारे बच्चे अपना अमेजोन भी चलाते हो, सारिया वैबसाइट सारिया साइटा चलाते हो तुसी, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे अमेजोन हो गया, या होर भी कई तरीके दी इहदे तुहाडे कोल साइटा ने, तो उस चीज़ नूं जिहड़े इंटरनेट से ट्रेड करन नूं आपां की कहिंदे ने, इस चीज़ का नाम हुंदा ई कॉमर्स, मतलब इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये की हैगा तुहाडे कोल इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिहड़ा हैगा, ठीक है। तो होपफुली गल तुहानूं क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। पहले तो टेलनेट का मीनिंग तुम्हें समझना चाहिए, टेलनेट की होंगे, टेलनेट के वह प्रोटोकॉल होंगे जिसके थ्रू तुम दुनिया के किसी भी कोने बैठे हो तो मैं अपने इस प्लेस से तुहाडे सिस्टम में की करूँगा, घुस जाऊँगा। एक मैं तुहाडे कोल टेलनेट जिदा कि तुहाडे कोल सॉफ्टवेयर होंगे टीम वीवर, ठीक है। तुहाडे कोल होर भी एनी डैस्क, तुसी ना सुनिया होना एनी डैस्क, आप तुसी सुनिया होना, काफ़ी पॉपुलर हैगा एनी डैस्क। तो ये ना जेकर तुम मान लो कि तुसी कोई काम करे तो, हो नहीं रहा, मैं कहते सर ये साडा काम कर दो जी, तो मैं कि कहूँगा एक एनी डैस्क तुसी इंस्टॉल करो। जिदा ही तुसी एनी डैस्क इंस्टॉल करोगे बच्चे, तो उत्थे तुहाडे कोल की होएगा जिहड़ी तुहाडी एनी डैस्क की आई डी हुई तुसी मेरे नाल शेयर करोगे, तुसी दुनिया के किसी भी कोने बैठे हो तो तुहाडा इंटरनेट जिहड़ा हैगा, तुहाडा लैपटॉप जिहड़ा हैगा, उहदी स्क्रीन मेरे से सिस्टम से आ जाएगी। तो मतलब आप रिमोटली किसी के सिस्टम से घुस जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो यह जिहड़ा हुंदा वह कादे ते हुंदा, तुहाडे कोल साउंड बेस्ड हुंदा, टैक्सट बेस्ड हुंदा, इमेज हुंदी है या एनीमेशन। तो यह जिहड़ा हुंदा तुहाडे कोल टैक्सट बेस्ड हुंदा, तुसी सिर्फ टैक्सट कर सकते हो, होर कुछ नहीं कर सकते, टाइपिंग कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आवाज़ वगैरह शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, द थ्रू डैश एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूजर कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। आ ही तुम पिछले दस के आया मैं कि जो टेलनेट होंगे तुम रिमोटली किसी भी दूजे बंदे दे कंप्यूटर से की करते हो, घुस जाते हो, तो आंसर की बनेगा टेलनेट। हूँ तो मैंने दसन की लड़ ही तुम्हें नहीं पेगी जी, ठीक है।
होपफुली तुहानू गल सारे नू क्लियर है। आ लो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आ देखो, स्टूडेंट गिव्स द फॉलोइंग डैक्लारेशन। जब भी तुम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो उ डैक्लारेशन देंगे हो कि हाँ यह बंदा मैं ही है, मैं ही अपनी सारी इनफॉर्मेशन तुहाडे कोल प्रोवाइड कर रहा, बिल्कुल सही हैगी है, मेरे रिश्ते बेस्ट नोन हैगी है, तो उस चीज़ नू द अबव डैक्लारेशन इज रिलेटेड रिलेटेड टू, इसनों आप की कहते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम, साइबर स्टोकिंग, प्लैगरिजम या मालवेयर। आ देखो, मालवेयर वायरस होंगे, साइबर स्टोकिंग, साइबर क्राइम आंसर नहीं बनेगा, अपने आप से आंसर क्या बनेगा, प्लैगरिजम। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आंसर नू देख के ही आंसर दे दिता, कुछ नहीं करना, होपफुली तेन गल क्लीयर होएगी, ठीक है। कटिंग भी सीखना जरूरी है, ठीक है। हुण आ देखो इस क्वेश्चन की जेकर आप गल करिए, इस क्वेश्चन तुहाडे कोल की हैगा, गिव द फॉलोइंग ईमेल फील्ड विच इज़ द ईमेल एड्रेस स्वामी, ईमेल एड्रेस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल स्वामी इज एबल टू सी वैन ही रिसीव अ मैसेज। तुसी टू च किया, देखो टू च हैगा राम एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, सीसी च हैगा, सीसी का पहले फुल फॉर्म होंगे कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, और तुहाडे कोल बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये याद रखना, बीसीसी होंगे कार्बन कॉपी, बीसीसी होंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तुसी ना याद रखने, ठीक है। हुण देखो टू च तुसी ए किता हैगा, सीसी च तुहाडे कोल राज एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, रवि एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, और सी बीसीसी तुहाडे कोल की हैगा, स्वामी एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, रामा एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम। हुण देखो तुहाडे कोल सीगा क्या कि तुसी एक अपनी फाइल जिहड़ी हैगी सेंड कर दिओ, तो स्वामी किहड़ी चीज़ नूं देख सकदा हैगा, तो स्वामी जिहड़ा हैगा ये सारे पिछले एड्रेस नूं जरूर देख पाएगा, बीसीसी वाला जिहड़ा हुंदा ना, जिन्हों भी बीसीसी करते हो वह सीसी ते टू नूं देख सकदा, तो रामा ते राज ते रवि, ठीक है, रामा राज ते रवि, इहदा जिहड़ा आंसर बनेगा, इहदा जिहड़ा आंसर बनेगा वह बनेगा बी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि राम भी हैगा तुहाडे कोल, फिर तुहाडे कोल राज हैगा, राज भी हैगा, फिर रवि हैगा तुहाडे कोल, रवि भी हैगा, ठीक है। जिहड़ा बीसीसी हुंदा उह पिछलियां चीज़ां नूं देख सकदा, ते सीसी जिहड़ा हैगा अगली चीज़ां नूं नहीं देख सकदा, ठीक है, ये गल तुसीं याद रखनी, तो आंसर की बनेगा बी ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा जिहड़ा पेपर च पुछिया गया हैगा, ठीक है। आ लो जी क्वेश्चन नंबर 15 आ देखो, 15 क्वेश्चन, अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेट इज लैस, मतलब भार जिहड़ा हैगा उहदा घट हैगा, इज स्मॉलर इन साइज, यूज लैस पावर लैपटॉप मॉडल, मतलब इहदी कंजप्शन भी घट हैगी है, पावर भी घट यूज करदा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्नीक हैज़ बीन यूज्ड द अकम्पलिशिंग द थिंग्स, तो इहनू बनाउण लई आपां किस चीज़ का यूज करते हैं, वह तुहाडे तों पुछ रहा हैगा, यूएसबी सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस, माउस का गलत, माउस थोड़ी ना, माउस का इनपुट डिवाइस हैगा, वो तो नहीं होएगा, फास्टर रैम ना जी ना, आ तो गल ही नहीं बनी, ब्लूरे डिस्क, आ तो सी डी डीबीटी की तरह होंगी है, और वेट घट करना तुहाडे कोल एस एस डी सोलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, जिद्दां तुहाडे कोल हार्ड डिस्क होंदी सीगी ना, अज दी डेट च हार्ड डिस्क नूं एस एस डी ने रिप्लेस करदा सोलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, अज दी डेट विच आपां हार्ड डिस्क की बजाय एस एस डी यूज करते हैं, तुहानूं पता होना चाहिए, वह की हैगा फास्ट भी हैगा, तो बिजली भी घट यूज करती है, तो वेट च भी तड़ा हैगा घट हैगा, तो होपफुली तुहानूं गल क्लीयर होएगी, ठीक है। आ लो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द सॉफ्टवेयर यूज द नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज, ठीक है, उस चीज़ नूं आपां की कहंदे ने, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर दे थ्रू, एक सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट, ठीक है, द वेबसाइट, वेब ब्राउजर, इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वैब, यह तो मैंने लगता तुम सारे आता होएगा, वैबसाइट से आप विजिट करते हैं इंटरनेट का यूज करके WWW नाल, तो साढ़े को आंसर की बनेगा वैब ब्राउजर, साढ़े को आंसर की बनेगा वैब ब्राउजर, होपफुली गल तुम क्लीयर है, ठीक है। आ देखो जी अगला क्वेश्चन, रोज ऑफ अ रिलेशन आर कोल्ड, जी रोज होंगे ने रिलेशन, मतलब डेटाबेस की गल की गई हैगी है, तो उन्होंने आप कहते हैं एंटिटी, डिग्री, टपल या नन ऑफ दिस, तो जिहड़ियां डेटाबेस होंगे ना, आ डेटाबेस जिहड़ा होंगे इन्हू आप कहते हैं ऑलवेज टपल्स, ठीक है, टपल्स आप इस चीज़ को जान कहते हैं जानते हैं, तुहाडे कोल आंसर की बनेगा सी ऑप्शन, होपफुली तुहानू सारे नू गल क्लीयर होएगी। आ देखो जी अगला क्वेश्चन तुहाडे कोल, आ क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, इन्हां विच कौनसी एक्सटेंशन हैगी है नोटपैड दी, नोटपैड तुसी हर कोई बच्चा यूज करता पर एक्सटेंशन नहीं तुहानू पता, यही तुहाडे पेपर का पार्ट बनेगा, आंसर की हैगा डॉट टैक्सट,
होपफुली तुम सारे गल क्लीयर है, बाकी कोई नहीं हैगी। एक्सएल एस तुम्हें पता है, एक्सएल की हैगी है, पीपीटी तुम्हें पता है, पावर पॉइंट की हैगी, बी एम पी थोड़े को फाइल होंगी है, ये भी थोड़े को नहीं हैगी है, तो डॉट टी एक्स है आंसर बनेगा। तो होपफुली तुम सारे गल क्लीयर है जी। ठीक है, जे आप गल करिए ज्ञानम जुड़ना चाहते हो तो ज्ञानम इंस्टा से सू ज्ञानम डॉट कॉलेज से फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम से ज्ञानम डॉट ज्ञानम से सू सर्च कर सकते हो, यूट्यूब से सू देख रहे हो। बद इनफॉर्मेशन लिए इस दोहां नंबरों से फोन कर सकते हो 9117-3434 9646-888-377। ठीक है, तो उम्मीद करता तुम्हें सारी दारी नॉलेज जी हैगी काम आऊगी पेपर तुम।